और नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए जरूरी सूचना है। छत्तीसगढ़ में यह साल जाते जाते भिगोने वाला है। मौसम विभाग ने 27 से 30 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बरसात की संभावना जताई है। सरगुजा और आसपास के जिलों में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 27 दिसंबर की देर रात प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। 28 दिसंबर को प्रदेश के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। ये क्रम 29 दिसंबर को भी जारी रहेगा। इस दिन प्रदेश के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना है। 30 दिसंबर को मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। प्रशांत द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रशांत, साल जाने वाला है लेकिन मौसम का मिजाज ठंडक बढ़ा सकता है। संतोष, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि साल जाते जाते जो है मौसम करवट बदलेगी और यहाँ पे हल्की बारिश और चमक भी दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ आम लोगों को जो एक उम्मीद थी कि कुछ देखा जा रहा था कि दो तीन दिनों से ठंड में कुछ राहत थी तो लोग महसूस कर रहे थे कि ठंड जाने वाली, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी जारी किया ऐसे में लोगों के साथ साथ सरकार को भी चिंता में डाल दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से धान की खरीदी हो रही है ऐसे में सरकार के लिए चुनौती होगी कि अगर ये बारिश होती है ओले गिरती हैं तो इतनी बड़े संख्या में धान क्या सुरक्षा कैसे की जाए। और खासकर जो चेतावनी जारी की गई है वो सरगुजा इलाका है, उत्तरी एक सरगुजा का उत्तरी इलाका है, जशपुर हुआ, कोरिया हुआ, चिरमिरी हुआ, ये इलाके अक्सर यहाँ पे बारिश होती है। वहीं अगर आप यहाँ बस्तर की बात करें या राजनांदगांव की बात करें या बिलासपुर की बात करें तो निश्चित तौर पर जाते जाते जो है साल जिस तरह से बारिश की चेतावनी दी गई है लोगों को अभी से ही सुन के ठंड महसूस हो रहा है, नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग की अगर ये चेतावनी सही साबित होती है तो निश्चित तौर पर आम लोगों के साथ साथ जो है सरकार के लिए भी मुसीबत बन के सामने आएगी। और न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के उनके लिए भी ठंड परेशान कर सकती है। जो लोग सड़क पर रहने को मजबूर है उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।